हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं ड्राई बोन्स रिचुअल। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है गाइस कि आप लोग चाहते हो कि मैं एलिवेटेड टू द अनदर वर्ल्ड चैलेंज करूँ। मैंने आपके लास्ट वाली वीडियो पे कॉमेंट सबके पढ़े थे, लेकिन अभी सीन ऐसा है गाइस कि ना मेरी एक कजन है, उसकी शादी होने वाली है। इन कामों से फ्री होते ही मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एलिवेटेड टू द अनदर वर्ल्ड चैलेंज करूंगा किसी होटल में जाके। तो आज मैं खेलने वाला हूँ ड्राई बोन्स रिचुअल। ये एक हॉन्टेड चैलेंज है। इससे हम घर में होस्ट या फिर डीमन को बुलाते हैं और इस चैलेंज को कंप्लीट करने पे ऐसा कहते हैं कि आपकी कोई एक विश जो आप मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। आपको ये चैलेंज सरवाइव करना है, आपको जिंदा रहना है इस चैलेंज में। मतलब ये इतना ज्यादा लोग इसको स्कैरी मानते हैं और मैं ये चीज वैसे भी आप लोगों के लिए करता हूं गाइस। तो प्लीज इस वाली वीडियो को अब भी जाके इसी वक्त जाके लाइक कर दो। आई डू इट फॉर यू गाइस। तो अंकुर भाई के लिए गो लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। तो अब हम बात करते हैं कि इस चैलेंज को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना कैंडल चाहिए होती है और एक मैचस्टिक चाहिए होता है। इसका मैं आपको सीन बताता हूं होता क्या है। हमें सबसे पहले वॉशरूम में जाना होता है। वॉशरूम में जाने के बाद हम इस मैच बॉक्स से एक मैचस्टिक निकालते हैं, एक माचिस निकालते हैं, उसको हम जलाते हैं। जलाने के बाद जो उसकी फ्लेम है ना, अगर वो 15 सेकंड तक टिक गई तो ऐसा मानते हैं कि आप चैलेंज आगे कर सकते हो, ज्यादा खतरा नहीं है। अगर वो 15 सेकंड से पहले बुझ गई तो ऐसा लोग एडवाइस करते हैं कि चैलेंज मत करो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद हम एक और मैचस्टिक लेते हैं, उससे हम कैंडल को जलाते हैं। कैंडल को जलाने के बाद हम ये बोलते हैं स्पिरिट्स को कि आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस, मुझे पता है कि आप यहां पर हो, मुझे आपकी प्रेजेंस का पूरा पता है। यू आर वेलकम इनटू माय हाउस, आपका मेरे घर में स्वागत है। इस चैलेंज को करने से पहले हमें अपने घर के हर एक दरवाजे को बंद करना होता है, हर एक क्लोजेट को, हर एक कबर्ड को बंद करना होता है। कुछ भी खुला, कोई भी दरवाजा या फिर विंडो खुली नहीं हो सकती है। अब हम ट्राई करते हैं स्पिरिट्स को घर में बुलाने का। चैलेंज अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और लेट्स गो गाइस, अभी मैं अपने वॉशरूम में आ चुका हूँ और मेरे को भी अपना वॉशरूम का जो दरवाजा है ये बंद करना है। मेरे को इन चैलेंजेस में सबसे जो क्रीपी बात लगती है वो यही लगती है कि मेरे को वॉशरूम में एक तो मैं आता हूँ, मैं घर में अकेला होता हूँ, घर की सारी लाइट्स ऑफ होती है। आप खुद ही इमेजिन करो गाइस, अगर आप अपने घर में अकेले होते हैं तो अभी करने का भी सोचते हैं। दिस इज रियली क्रेजी, मैं ये चीज कर रहा हूँ। अब मेरे को मैचस्टिक लाइट करनी है और देखना है कि इसकी फ्लेम जो है वो 15 सेकंड तक टिकती है कि नहीं टिकती है। लेट्स सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैंने अभी मैचस्टिक जलाई थी और ये 15 सेकंड तक टिक गई है। आई डोंट रियली नो कि क्या होने वाला है। अब मैं कैंडल लाइट करता हूँ और अब स्पिरिट को बुलाते हैं। और लेट्स गो गाइस, मैंने अपने कैंडल जला लिए हैं। तो अब वक्त है स्पिरिट को बुलाने का। स्पिरिट को बुलाने के लिए हमें कहना होता है आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस, मेरे को आपकी प्रेजेंस का पता है, मेरे को पता है कि आप यहाँ पर हो, प्लीज कम नाउ, अब आप आ जाओ। ऑलराइट, लेट्स डू इट। मेरा बिल्कुल मन नहीं है करने का, बट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्पिरिट, आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस, प्लीज कम नाउ। आंखें बंद करके ट्राई करता हूँ। Spirit, I'm aware of your presence. Please come now. Spirit, I'm aware of your presence. You're welcome in my house. Please come now. Spirit, मुझे पता है कि आप यहाँ पर हो, आपका मेरे घर में स्वागत है, प्लीज आ जाओ। अब मेरे को मेरे घर में अगर कुछ भी खुला हुआ है ना, कोई भी दरवाजा है, कोई भी विंडो, मेरे को उसको जाके बंद करना है। हमेशा मेरा हाइडिंग स्पॉट जो होता है ना, मेरा रूम होता है, लेकिन आज मेरा जो हाइडिंग स्पॉट है वो होने वाला है मेरा टॉप फ्लोर वाला कमरा जो हमेशा खाली होता है। और क्योंकि आज घर में कोई नहीं है तो मैं वहां पर जाके आज ये चीज करने वाला हूँ। मेरे घर में सबसे ज्यादा अकेली जगह वो फ्लोर है। जब आप ड्राई बोन्स रिचुअल करते हो ना, तो जो भी घोस्ट है, जो भी है ना, वो आपको ढूंढता है और आपके साथ बुरी बुरी चीजें करता है, ठीक है ना। तो आपको एक जगह पे जाकर छुपना होता है। और अब चैलेंज स्टार्ट करते हैं। चल के सबसे पहले दरवाजे वगैरह बंद करता हूँ। लेट्स डू इट एंड लेट्स गो। ऑलराइट सो गाइस, मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ है, लेकिन अभी मैंने अपना ये वाला दरवाजा जैसे ही बंद करा है, मेरे को मेरे सबसे टॉप वाले फ्लोर से आवाज़ ऐसी आई है जैसे ना कोई दरवाज़ा है तो बंद हुआ है, या तो पता नहीं जैसे शायद उसकी कुंडी लगी है, पता नहीं क्या है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग गाइस। मेरा मन कर रहा है मैं ये गेम ना खेलूं, लेकिन मैंने चैलेंज स्टार्ट कर ही दिया है तो मैं पूरा करता हूं चैलेंज को और देखते हैं क्या होता है। मेरे को टॉप फ्लोर पर जाकर छुपना भी है और वहीं से आवाज़ आ रही है, तो ये सबसे ज़्यादा क्रीपी बात है। ओ
राइट, सो मैंने सबसे पहला दरवाज़ा बंद कर दिया है, दूसरा दरवाज़ा, इनफैक्ट मैंने पहले वॉशरूम का दरवाज़ा, व्हाट द हेल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड गाइस। मैंने जैसे आपको बताया था बैठे बैठे यहाँ पे कि मेरे को एक आवाज़ आई थी ऊपर से, आई गेस वो आवाज़ दोबारा आई है, मुझे नहीं पता वो आवाज़ कैमरे में आई होगी कि नहीं आई होगी, बट आई गेस वो ऊपर से आई, आई डोंट नो कहाँ से आई है, लेट्स सी। मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक इट्स लाइक वेरी क्रीपी मैन, मेरे को नहीं पता मेरे को जाकर चेक भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं अभी तक मैंने चैलेंज स्टार्ट ही करा है और ये कभी नहीं होगा इसकी, मतलब चैलेंज स्टार्ट करते ही चीज़ें होने लग गई हैं, आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू, चल के चेक करता हूँ, देखता हूँ आवाज़ किस चीज़ की थी गाइस, लेट्स सी, इट्स रियली वेरी वेरी क्रीपी गाइस, मेरा पूरा गर्म दे रहा है, अकेला हूँ, मुझे जैसे लगा कि जैसे ऊपर से आवाज़ आई है, आई डोंट नो कहाँ से आई होगी, कोई बात नहीं गाइस, लेट्स डू इट और देखते क्या होता है, प्रे फॉर मी, मैं चैलेंज अलग करने वाला हूँ, घर के सारे दरवाजे करने हैं बंद, लेट्स सी, ये वाला दरवाज़ा तो ऑलरेडी बंद है, इसमें चाबियाँ भी लगी हुई है, लॉक करके शायद मेरी मॉम गई हैं, और ये है मेरा रूम गाइस, ये आज मेरा हाइडिंग स्पॉट नहीं है, हमेशा ही मेरा हाइडिंग स्पॉट होता था, काश मैं इधर छुप सकता, लेकिन आज मैंने चैलेंज को स्कैरी बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं ऊपर छुपूं, जस्ट बिकॉज चैलेंज स्कैरी हो जाए, ऑलरेडी आवाज़ आ रही है घर में गाइस, चलते हैं ऊपर, पहले चल रही है भाई, मैं डर गया, सो दिस इज़ द रूम गाइज, ये वो रूम है जहाँ पे मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर आके गाइज मेरे को एक चीज़ नोटिस हो रही है कि ये जो पूरा रूम है ना, ये सबसे ज़्यादा शांत है, और पता नहीं क्यों बार बार गाइज बाहर चिड़िया की आवाज़ आ जाती है कभी कभी रुक रुक के, पता नहीं बहुत ज़्यादा क्रीपी है। मैं अभी अपने फ्लोर पे टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ और मैंने अभी दरवाज़ा भी बंद कर लिया अपने घर का, अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ जो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती, इस चैलेंज में ऐसा कहते हैं कि जैसे रिचुअल है उसी को फॉलो करो, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो चांसेस हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो, मैं ये तो नहीं चाहता कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गाइज, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि स्पिरिट जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखाए, मेरे पास ये इतने सारे कैंडल्स है गाइस, मैं इन सबको ना एक सर्कल में जलाऊंगा, नीचे जमीन पर बैठूंगा और फिर मैं स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ये चीज़ बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं होती करना, लेकिन मेरे को करना है, मेरे को देखना है कि भाई स्पिरिट का क्या प्रेजेंस है, दिखता है कि नहीं दिखता, स्पिरिट का कोई भी प्रेजेंस कोई भी साइन दिखता है कि नहीं दिखता है, लेट्स डू इट और देखते क्या होता है, लेट्स गो। तो गाइस मैं अभी कैंडल्स को सर्कल में रखने वाला हूँ, चिड़िया पता नहीं बाहर बहुत ज़्यादा चिड़िया बोलने लग गई है एकदम से ही, अभी तक एकदम शांत था, मैंने कैंडल जब से जलाई हैं तब से चिड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लग गई, ये चीज़ बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं होती गाइस करना, लेकिन देखते हैं क्या होता है, आंखें बंद करके मैं ये बोलने वाला हूँ, लेट्स डू इट, अगर मेरे आसपास कोई भी स्पिरिट्स हैं, अगर मेरे आसपास कोई भी स्पिरिट हैं तो प्लीज़ अपनी प्रेजेंस दिखाओ, इफ देयर आर एनी स्पिरिट्स अराउंड मी प्लीज शो मी योर प्रेजेंस, अगर मेरे आसपास, ओ भाई व्हाट द हेल, व्हाट द हेल भाई, मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ है गाइस, मैंने अभी ऊपर कैंडल जला के मैंने ये बोला है कि अगर मेरे आसपास कोई भी स्पिरिट है तो प्लीज मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड भाई, रियली वेरी वेरी स्कैर्ड, पूरे घर पे अपने अकेला हूं गाइस, मुझे नहीं पता, मुझे बाहर जाकर देखना भी ठीक ही देखना चाहिए, मैं सबसे पहले कैंडल बुझाता हूं भाई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा गाइस इस दरवाजे को खोलने का, लेकिन अब बाहर जाके देखता हूं कि भाई आवाज आई कहां से, आई एम रियली वेरी वेरी स्कैर्ड राइट नाउ, देखना पड़ेगा आवाज़ आई कहाँ से, रियली वेरी वेरी स्कैरी भाई, मैं नहीं चला था ऐसा कुछ भी हो, मैं स्टार्टिंग से मेरे को लगता है ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ऑलराइट सो ओके, ये मेरा स्टोर रूम है गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, आई मीन यहाँ पे कोई भी, आई मीन कोई भी नहीं है, इट्स एम्प्टी गाइस, आई डोंट नो आवाज़ आई कहाँ से भाई, लेट्स सी इधर कोई है कि नहीं है, ओके इधर भी कोई भी नहीं है गाइस, देयर इज़ नोबडी हियर, मेरे को नहीं पता कि आवाज़ आई कहाँ से है, मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस हो रहा हूँ, मतलब मेरी सांस फूल रहा है, नो
एकदम से आवाज आई है, मैं भी ढूंढने गया था, मेरे को कुछ नहीं दिखाया गाइस, आई डोंट नो व्हाट टू डू मैन। ये बहुत ज्यादा क्रीपी एक्सपीरियंस था गाइस, मैंने भी लाइट ऑन कर ली तो मेरे को थोड़ा सा बेटर लग रहा है, लेकिन गाइस दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट एक्सपीरियंसेस एट माय हाउस। यू गाइस रियली मीन अ लॉट टू मी, तभी मैं ये चीजें करता हूं गाइस। प्लीज इस वाली वीडियो को अभी जाके लाइक कर दो, लेट्स एम फॉर 25,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो गाइस, 25,000 लाइक्स इस वाली वीडियो पे कर दो। मुझे पता है कि चैलेंज बहुत ज्यादा स्कैरी होता है, बट मैं ये चीजें आप लोगों के लिए करता रहना चाहता हूँ। जहां जहां शेयर कर सकते हो इस वाली वीडियो को शेयर कर दो, इस वीडियो को सबके साथ फैला दो गाइस, मेरे चैनल को अभी इसी वक्त जाके सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं करा तो, क्योंकि ये चीजें मैं आप लोगों के लिए करता हूँ गाइस। अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे आप मेरी कोई भी आगे फ्यूचर में वीडियो एक भी मिस ना करो। ऐसा एंटरटेनमेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा गाइस। नीचे जाके कमेंट्स इस वाली वीडियो को भर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, अंकुर अपना ख्याल रख रहा है, एंड डोंट फियर व्हेन अंकुर इज हियर। बाय, अब अंकुर जा रहा है। बाय बाय बाय।